नमस्कार दोस्तों, क्रेजी वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई और बुक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्लैक बुक। रेलवे की सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की बुक है ये, जो कि आप मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। निखिल गुप्ता सर की है, इसे देख लीजिए, निखिल गुप्ता की ही बुक है। तो आइए देखते हैं इस बुक की क्या खासियत है। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया है। NTPC के लिए ये बुक है, ग्रुप बी के लिए है, टेक्नीशियन के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, RPF कांस्टेबल के लिए है, RPFSI के लिए है, मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए है, आप सभी के लिए है। उसमें देखिए, उसके बाद 15,000 ऑनलाइन क्वेश्चन दिए हैं। सबसे खासियत बात इसकी है ऑनलाइन क्वेश्चन पे 15,000 जो प्रीवियस ईयर है, और अगस्त 2024 का संस्करण है। तो आइए देखते हैं इसकी विशेष सूची में देखेंगे। भाग एक में टॉप 500 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, वो सभी क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद देखिए, इतिहास में 1786 प्रश्न दिए हैं, इतिहास का टॉपिक के बाद देखेंगे। प्राचीन इतिहास में 277 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महाजनपद का मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और मौर्य काल के बाद, ऐसे सभी विविध तक दिए हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें 207 प्रश्न दिए हैं। मध्यकालीन इतिहास में अरब आक्रमण और दिल्ली सल्तनत से लेकर विविध तक दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा बनाए हैं उसमें आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें 702 प्रश्न प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो इसमें पहला है यूरोपीय लोगों का आगमन है, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार है, गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, ऐसे देखेंगे। काफ़ी टॉपिक है, सामाजिक धार्मिक सुधार है, नागरिक और जनजातीय विद्रोह है, 1857 का विद्रोह है। उसके बाद चौथा टॉपिक है विश्व इतिहास, विश्व इतिहास में 18 क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर के। फिर पाँचवा है कला और संस्कृति, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 582 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें नृत्य और रंगमंच है, मेले और उत्सव हैं, संगीत और चित्रकारी हैं, फिल्में हैं, भाषाएं हैं, कला और मूर्तिकार हैं। उसके बाद भारतीय संस्कृति का इतिहास है, विविध के क्वेश्चन दिए हुए हैं। कला और संस्कृत तो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। उसके बाद भूगोल है, भूगोल में सबसे ज़्यादा 2119 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें भारत का भूगोल से 1101 प्रश्न दिए हुए हैं, भारत के भूगोल से शुरू से दिए हुए हैं। मौलिक भूगोल, भारत का भौगोलिक प्रभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी, कृषि, खनिज संसाधन, परिवहन, सभी टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। उसके बाद विश्व भूगोल देखेंगे, विश्व भूगोल के 610 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से 9 टॉपिक हैं ब्रह्मांड और सौरमंडल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पेडोलॉजी और कृषि, ऐसे ही 9 टॉपिक दिए हुए हैं। पारिस्थितिकी में भी 408 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से 9 टॉपिक दिए हुए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में 1120 प्रश्न दिए गए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो संविधान का परिचय, भारतीय संविधान की विशेषताएँ, भारत संघ राज, भारत में न्यायपालिका से लेकर विविधता क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र दिया हुआ है, अर्थशास्त्र के 16 टॉपिक दिए हुए हैं। फिर भाग तीन में सामान्य विज्ञान है, जिसमें फिजिक्स के 1665 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी टॉपिक में इकाई और मापन, गति और बल, कार्य और ऊर्जा शक्ति, ऐसे करके। रसायन विज्ञान में भी 1645 प्रश्न दिए हुए हैं, 18 टॉपिक है। उसके बाद फिर जीव विज्ञान में भी 13 टॉपिक दिए गए हैं। फिर कंप्यूटर के भी प्रश्न हैं, 563 प्रश्न हैं। उसके बाद भाग पाँच में है पिछले वर्षों का महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 सेट दिए हुए हैं, जिसमें 1340 प्रश्न हैं, इसमें 30 सेट दिए गए हैं, जिसमें 1340 प्रश्न दिए गए हैं। उन्हें NTPC 2019 CBT 1 के 380 क्वेश्चन दिए हैं, NTPC 2019 CBT 2 के 387 प्रश्न दिए हैं, ALP टेक्नीशियन के दिए गए हैं, ग्रुप डी 2019, RPFSI, RPF कांस्टेबल, RPFJEE 2018, CBT 1, CBT 2, RPF स्टाफ नर्स दिया है, मिनिस्ट्रियल 2020 के क्वेश्चन दिए गए हैं, 428 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें कंटेंट तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसे, बुक का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम भाग एक देखते हैं, जिसमें 500 टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की दिशा को इंगित करता है, तो मध्यमा प्रेरित दिशा की को इंगित करेगी, यह कहलाता है। तो यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। और सबसे अच्छी बात है, कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये 16 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा शायद यही पूछा गया है। तो
सबसे खासियत बात यही है कि कितनी बार दिया गया है क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कि वो भी यहाँ बता दिया गया है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250 होती है, 11 बार रिपीट किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो ऐसे ही सभी रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी सब्जेक्ट के दिए गए हैं, लगभग 500 क्वेश्चन हैं, 500 क्वेश्चन रिपीटेड दिए गए हैं यहाँ पर, 300 400, ये देखिए 500 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद भाग दो ये देखते हैं, सामाजिक विज्ञान इतिहास है, यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं और रिपीट जितनी बार रिपीट हुआ उतनी बार लिखा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद आंसर वहाँ दिया गया है, फिर कितनी बार रिपीट हुआ है वो भी दिया गया है, ये 2 बार रिपीट हुआ है। ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, हमको तो बहुत अच्छी लग रही है। अब आप लोग खरीद के देखिएगा कैसी है, एक बार पढ़िएगा ज़रूर ये बुक। रेलवे के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का दिया गया है, टॉपिक वाइज रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बुक काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ऐसे सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दिया गया है, उसके बाद बौद्ध धर्म के सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, कितनी बार रिपीट हुआ है वो भी दिया गया है, महाजनपद और मगध साम्राज्य दिया गया है। तो एक बार आइए हम विज्ञान वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें फिजिक्स का। तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये देखते हैं पहले इकाइयाँ और मापन, ये एक टॉपिक लिया गया है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। अदिश राशि में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है, उसमें उत्तर दिया है केवल परिमाण, और अदिश राशि में क्या होता है द्रव्यमान। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर लिखे गए हैं और कितनी बार रिपीट हुआ है सब कुछ दिया गया है। तो रेलवे एग्जाम के लिए आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं, हमारा तो ये सुझाव है आप लोग के लिए कि ये बुक ज़रूर परचेज कर लीजिए और एक बार पढ़ के ज़रूर देखिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, सब कुछ बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। और हम लास्ट में देख लेते हैं ये बुक कितने की मिलेगी। इसमें 255 रुपये लिखा गया है और आप लोग अगर इसको परचेज करेंगे तो शायद 170-175 रुपये की मिलती है मार्केट में। तो आप लोग जाके ज़रूर ले सकते हैं, अगर ऑनलाइन मंगवाना हो तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी मंगवा सकते हैं आप लोग। और पीछे निखिल गुप्ता की फ़ोटो दी गई है और जो लिखे गए हैं कुछ, निखिल गुप्ता सर SSC जगत के जाने माने प्रसिद्ध है, अपने बारे में लिखे हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको पढ़िएगा, देखिएगा कैसी है रेलवे के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।